अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक काइनेमेटिक्स के सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले भी बताया गया है आपको कि गिवन वैल्यूज़ के तमाम यूनिट्स को SI यूनिट में डिफाइन होना ज़रूरी है। अगर कोई क्वांटिटी SI यूनिट में डिफाइन नहीं की गई है तो हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और ये कन्वर्जेंस के मेथड्स हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। एक ख़ास किस्म की कन्वर्जन जो हमने पहले डिस्कस नहीं की थी वो है किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड की तरफ, क्योंकि ये कन्वर्जन आपको आने वाले न्यूमेरिकल में बहुत दफ़ा इस्तेमाल करनी होगी। तो आज हम देखेंगे कि किलोमीटर पर आर को किस तरीके से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि किलोमीटर आपके पास है न्यूमरेटर में और आर में, आर है आपका डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आपको जाना है किलोमीटर टू मीटर और आर टू सेकेंड। अब जो भी वैल्यू आपको किलोमीटर पर आर में दी हुई है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 60 × 60। मिसाल के तौर पे आपको अगर दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आर तो उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 × 60। सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे 72,000 और 72 × 1000 ओवर 3600। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 36 वन ज़ा 36 एंड 36 टू टाइम्स 72, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 10 इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका किलोमीटर पर आर चेंज हो गया मीटर पर सेकेंड में। अब हम कुछ उन फॉर्मूलाज पर नज़र डालेंगे जो कि आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपने इस्तेमाल करने हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने डिफाइन किया है वो है एक्सेलरेशन का। व्हाट इज़ एन एक्सेलरेशन? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम इसको डिफाइन करते हैं लाइक चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, VF रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी, VI रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम। अच्छा, अब आपके पास ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ये दो तरीके के हो सकता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करने से भी होती है और चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करने से भी होती है। इंक्रीज करने से जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी तो वो एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर ये चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग वे में होगा तो ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और इसको हम डीसीलरेशन भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वो मज़ीद फॉर्मूलाज जो आप यूज़ करेंगे वो हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप न्यूमेरिकल में इन इक्वेशंस को किस तरह यूज़ करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा आपकी गिवन और रिक्वायर्ड वैल्यू पर। एक जस्ट रफ आइडिया आप अपने दिमाग में इस तरह से रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में S की वैल्यू गिवन नहीं है तो विल प्रीफर टू यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन, बट अगर S की वैल्यू दी हुई है T के साथ तो विल प्रीफर टू यूज़ सेकेंड इक्वेशन। एंड सिमिलरली इफ़ S वैल्यू इज गिवन विदाउट द वैल्यू ऑफ T देन विल गिव द प्रेफरेंस टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के स्टेटमेंट से भी लेते हैं, जैसे कि 2 कंडीशंस आपको यहाँ बताई हुई हैं कि अगर कार जर्नी आपका स्टार्ट करता है रेस्ट से
कोई भी कार जो है वो अपना मोशन स्टार्ट करती है रेस्ट से, रुकी हुई चीज़ हरकत में आती है तो उसकी VI हम जीरो लेते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई चलती हुई गाड़ी रुकती है अचानक तो हम उसमें उस केस में VF इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें खुद से क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के समझनी होगी और लिखनी होगी। अब इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हम अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, और सेकेंड न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.3। एंड न्यूमेरिकल नंबर 3.3 इज अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स डीसीलरेशन। अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसका स्टेटमेंट देखें, कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट, कोई मूविंग कार है ऑलरेडी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और उसको आप रेस्ट में लाएं, दैट मीन्स चलती हुई गाड़ी रुकी है तो इस केस में VF जीरो होगी। और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो जीरो होगा क्योंकि मूविंग कार जो है वो स्टॉप हुई है, जो चलती हुई गाड़ी को रेस्ट में लाया गया है, टाइम जो है आपके पास 5 सेकेंड है। डीसीलरेशन मालूम करना है मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन की वैल्यू आपने मालूम करनी है। अब ये देखिए किलोमीटर पर आ रहे ये ऐसा यूनिट नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से कन्वर्ट होगा ये मीटर पर सेकेंड में। डीसीलरेशन क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसको हम कहते हैं डीसीलरेशन, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सीलरेशन, और ये हमने मालूम करना है। अब किलोमीटर पर आवर से सेकेंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और डिवाइड करेंगे 60 × 60 से। को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आएगा 36 × 1000/3600, 00 कैंसिल, और 36 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो है आपके पास देखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको मालूम करना है नेगेटिव एक्सेलरेशन तो हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। VF की वैल्यू है आपके पास 0, VI आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यूज हम रखते हैं, और टी आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो ए इज इक्वल टू -10/5, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू -2 m/s². आपको मालूम करना है डीसीलरेशन, डीसीलरेशन मींस नेगेटिव ए, तो ये नेगेटिव हम ए के साथ लिखेंगे तो ये नेगेटिव ए इज इक्वल टू 2 m/s², और डीसीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 m/s².